निकालने वाले हैं नमकीन का सॉल्ट। यहाँ पे हमारे पास है भुजिया, जिसकी हम भुजिया का सॉल्ट निकालेंगे। यहाँ पे हमने उसे क्रश कर लिया है और वेइंग मशीन में वेट कर लेंगे। देखते हैं वेट कितना आता है। 2 ग्राम हम इसका वेट लेंगे। बहुत लोग 5 ग्राम भी लेते हैं, पर हम 2 ग्राम लेंगे। और हमारा यहाँ पे 2 ग्राम हो गया है, 2.10। अब हम इसमें डालेंगे पोटेशियम क्रोमेट 5% का एज ए इंडिकेटर, 1 ग्राम। बहुत लोग कुछ ड्रॉप्स भी बस ड्रॉप वगैरह बस 2-3 ड्रॉप बस डालते हैं। हम 1 ग्राम लेते हैं यहाँ पे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे टाइट्रेट करने के लिए। और यहाँ पे इतना हो गया, काफ़ी है। और ये हमारे पास है ब्यूरेट, जिसमें सिल्वर नाइट्राइट है। ये 0.1 नॉर्मलिटी का है। अब इस पर हम टाइट्रेट करेंगे। अभी यहाँ पे रीडिंग कितनी है, रीडिंग आ रही है 1 रीडिंग आ रही है। चलिए देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे ये बस हो गया है। आप देख सकते हैं इसके कलर का चेंज देख सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। 2.8 वैल्यू है। यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे हैं। सॉल्ट है, टाइट्रेशन वैल्यू है, नॉर्मेलिटी है, उसका फैक्टर है और सैंपल वेट है। जो हमारा आया हुआ है टाइट्रेशन वैल्यू, नॉर्मेलिटी कितनी है और फैक्टर कितना है। नॉर्मेलिटी और फैक्टर का इंटू किया तो इतना आया। जो हमारा टाइट्रेशन वैल्यू थी, सैंपल वेट, उसका डिवाइड किया तो इसकी सॉल्ट वैल्यू इतनी आ गई। तो ये फॉर्मूला होता है सॉल्ट निकालने का। हमारी टेस्टिंग द्वारा स्टैंडर्ड के ये पैरामीटर सेट किए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि ये किसी कोई कंपनी स्टैंडर्ड को फॉलो करें।